आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। नौतन प्रखंड के दक्षिण तेलुमा पंचायत की बुधौलिया गांव के वार्ड नंबर 12 में जीविका समिति की महिलाएं शराब बंद करने के लिए मानव श्रृंखला लगाई। जीविका समिति का कहना है, आए दिन जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है। जीविका समिति सदस्य के सीएम दुर्गावती का कहना है कि जहरीली शराब पीकर लोग आए दिन मर रहे हैं, सरकार को शराब पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए, लेकिन आज भी शराब बिक रहा है। सीएम आरपी चंदा देवी का कहना है, जब सरकार शराब बंद की है तो शराब विक्रेता पर कठिन नियम लागू करे। बुक पेपर पुष्पा कुमारी का कहना है, शराब विक्रेता को पकड़कर जेल नहीं देना चाहिए और न्यायालय के द्वारा कम से कम आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए शराब विक्रेता को, नहीं तो शराब विक्रेता की संपत्ति को जब्त कर लेना चाहिए, तब कहीं जा करके शराब बंद हो सकता है, अन्यथा नहीं। आज महिलाएं शराब बंद करने के लिए सड़क पर उतर आईं। पश्चिम चंपारण संवाददाता तिल्लो की राय की रिपोर्ट। नौतन प्रखंड के दक्षिण तिलवा पंचायत के बुधलिया गांव में पहुंचे हुए हैं और वार्ड नंबर 12 है, जहां जो समूह की महिला है जीविका समूह की, वो शराबबंदी को लेकर के मानव श्रृंखला तैयार की है, जो दक्षिण तिलवा पंचायत में 16 लोगों की मौत हुई है। उस 16 लोगों की मौत से यानी जो जीविका महिला है उन लोगों को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा हुआ है, इसलिए महिला चाह रही है कि नीतीश कुमार जो है जो दारू बंद किए हैं तो पूर्ण रूप से दारू बंद कर दे, और दारू विक्रेता को अगर पकड़ रहे हैं तो न्यायालय उसकी सजा जीवन कारावास दे, अन्यथा 5 वर्ष की सजा दे, ताकि लोग चुप कराए तो फिर दारू को न बेच पाए। आइए हम यहाँ के कुछ लोगों से मिलवाते हैं, जो महिला दीदी लोग हैं समूह के, उनसे हम बात करते हैं कि लोग जो मानव श्रृंखला तैयार की है किस उद्देश्य से की है। आइए हम इनसे मिलवाते हैं। कल नाम का पड़ी चंदा देवी, ये बताएं कि पहला मानव श्रृंखला तैयार के लिए शराब बंदी ना, शराब बंदी के मन दिमाग में कब से आई हो शराब न बिका। अच्छा, नाम का पड़ी चंदा दीदी। चंदा दीदी के कहे के मतलब बा कि जो 16 लोगों के जो मौत भइल बटे दक्षिण तिलवा पंचायत में, तो इस सरकार के लापरवाही के कारण भइल बाटे। कहत अटे कि नीतीश जी दारू तो बंद करा दे ले, लेकिन प्रशासन के द्वारा ठेकेदारी दे दे ले दारू बेचे बदरा। आई फिर हम दूसरा से मिलवाते नहीं कि दूसरा आदमी के का कहना बा अपने के दारू बंद करे दारू दारू खोल दे का मतलब सरकार का करो दारू जो बेचता ओकरा पर सरकार का करो से बताइए। सरकार बंद करी, बंद करे, बंद करी सरकार काहे खातिर रोक लगा दानी फिर छोड़ दानी लोग बेचता है। कलावती दीदी के कहे के मतलब बा कि रुआ दारू बंद कर देनी, शराबो बंद कर देनी और फिर छूटो छोड़ देनी। अब बताइए यहाँ क्या नाम बा, लोग कहता कि दारू खोलो, पुरुष लोग कहता दारू खोल दिया नीतीश कुमार तो पार्टी से इतना लोग ना मरी, लेकिन महिला दीदी के कहे के मतलब कि ना दारू खुले के ना चाहिए, दारू विक्रेता के पकड़ के सीधे जेल दी।
कि सबसे पहले अगर प्रूफ से दारू बंद करे के बाद तो वो अनुशासन लगाई कि हाँ अगर दारू विक्रेता पकड़ा जाता तो ओकरा जीवन कारावास हो तब न दारू ना चली आई फिर उद्देश्य में हम सबको मिला एगो बाबा बनी एक चाचा से पूछ रही उतार रहा है बा महिला लोग महिला लोग इकट्ठा भैल बा कि दारू बंद होके तो रोजगार आए बा दारू बंद होके कि दारू चालू कर जाओ ना पता हम कुछ नहीं जानो दारू बंद हो तभी बाबा आ ना दारू बंद हो तभी ठीक बाबा से कहना के पिए नहीं ये के कुछ नहीं जानो तरुआ देख तनी न्यूज़ भारत के द्वारा पर बना रही और YouTube चैनल के हमरा सब्सक्राइब करी। जय हिंद जय भारत। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।